ग्रुप बनना ही है, उसमें कितने लोग भी आते कुछ भी शेयर करते हैं, अपना ही चेरिया कुछ भी शेयर करो, अपन डरता है क्या किसी से है? कह रहे व्हाट्सएप चलाने में मजा तो बहुत आता होगा, गर्मा गर्म चीजें शेयर करने का मजा, अरे ग्रुप बना के चोरी का माल, किसी की भी मीम बना के भेज दिए, अरे किसी की भी वीडियो बना दी, ऐसी आजादी कहाँ मिलेगी? गंदे वाले शौक रखते हो, गंदे वाले। अब नई जगह खुली है पता है ऐसे लोगों के लिए जो व्हाट्सएप पर ऐसी मजेदार चीजें करते हैं, जेल। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अगर व्हाट्सएप को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% जेल हो जाएगी, पुलिस आपको ले जाएगी। अब लोग सोचते हैं कि जो व्हाट्सएप है ये इनक्रिप्टेड सर्विस है, यहाँ पर सिर्फ हमें पता है और दूसरे लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेजिंग सर्विस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते उसी के ऊपर ये वीडियो है। मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। आपने देखा होगा आजकल एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप कभी एडवर्टाइज नहीं करता था, लेकिन अभी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही हैं कि अपनी बेटी अपने पापा से बोल रही है कि मेरे पापा बहुत अच्छे मैसेजेस भेजा करते थे, लेकिन उन्होंने फेक मैसेज फेक न्यूज़ फैलाई, तो मैंने उनको समझाया कि पापा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए और अफवाह नहीं बांटनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी आप देख रहे हैं टीवी पर भी एड्स चल रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, गलत फालतू फेक न्यूज़ ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो लोगों के बीच में अभी भी लोगों को पता नहीं है कि व्हाट्सएप पर क्या लीगल है क्या इलीगल है। अब ये बात तो तय है कि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो 100% जेल हो जाएगी, मुझसे लिखवा लो, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती पुलिस से। तो ठीक है, बात करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि क्या नहीं करना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हो, आपने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, बेसिकली 250 लोगों का ठेका या 240 लोगों का ठेका आपने ले रखा है कि भैया वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी शेयर करेंगे, कैसी भी चटपटी बातें करेंगे, अगर उन्होंने कुछ इलीगल किया तो ग्रुप एडमिन होने के नाते आप पकड़े जाएंगे और आपको सजा होगी, पुलिस आपको ही धर दबोचेगी, भैया तेरे अंडर में आते हैं 250 लोग, क्या हो रहा है ये सब। तो जी हाँ, अगर आप कोई ग्रुप चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है पहले तो ऐसे फालतू लोगों को ऐड ही नहीं करना, अगर कुछ भी वहाँ इलीगल हो रहा है तो फौरन उसको हटाइए वहाँ से, और अगर कुछ इलीगल शेयर हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस को आप खबर दीजिए कि ऐसे ऐसे ग्रुप था और ऐसे ऐसे हो गया। पहली बात कि सिर्फ उन लोगों को ऐड करना है जिन पर ट्रस्टेड है, कई लोग होते हैं अननोन नंबर कहीं से भी उठा के नेट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, शेयर कर देते हैं, जानते नहीं उन लोगों को कुछ भी शेयर हो रहा है वहां पर। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप चला रहे हो मेरे भाई, तो अभी मेरे सलाह ले लो मेरी, अभी बंद कर दो, पुलिस के डंडे बहुत खतरनाक। ऐसी चीजों को व्हाट्सएप पर शेयर करना जिसमें देह व्यापार, एस्कॉर्ट और इस तरह की गंदी चीजें, गलत चीजें जो कि एक बच्चे को नहीं करनी चाहिए या टीनेजर को नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हो आप, कोई भी गलत चीजें शेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो वो चीजें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, और ऐसे ग्रुप में भी नहीं रहना, ऐसे लोगों से भी कनेक्टेड नहीं रहना जो इस तरह की चीजें व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। ये सख्त सख्त एकदम स्ट्रिक्टली मना है और ये गैर कानूनी। आप अगर मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, मॉर्फ्ड इमेजेस मतलब कि किसी सेलिब्रिटी का फेस किसी भी बॉडी पर लगा दिया, किसी गलत बॉडी पर लगा दिया, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस तरह की मॉर्फ इमेजेस व्हाट्सएप पर शेयर करना गैर कानूनी है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप पर ही नहीं, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अगर मॉर्फ्ड इमेजेस शेयर कर रहे हैं तो ये गलत है। कई लोगों को सेलिब्रिटीज़ को बदनाम करने के लिए किसी के भी शरीर पर कोई भी फोटो लोग फोटोशॉप से लगा देते हैं, या किसी जानवर के ऊपर किसी की तस्वीर लगा देते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ये सख्त मतलब एकदम घनघोर अपराध है। मतलब अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट और ऐसे बड़े लोगों की फोटो अगर किसी के ऊपर आप लगा रहे हैं इंसल्ट करने के लिए, तो आपको पुलिस पकड़ ही लेगी। तो मॉर्फ्ड इमेजेस या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पे भी अगर आप किसी का चेहरा किसी पर लगा रहे हैं, ऐसा ना करें, ये गैर कानूनी है और इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लड़की को हैरेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, या आपके कोई कोचिंग में या स्कूल में कोई लड़की पढ़ती है और आप बोल रहे हैं देख हाँ कर दे, हाँ कर दे, नहीं अभी नस काट लूंगा मैं, अपनी सारी नस काट लूंगा, अपनी तड़ियाँ निकाल दूंगा, किडनी बेच दूंगा, नहीं इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, कोई आपसे नहीं बात करना चाहता फिर भी आप फोर्स कर रहे हैं उसको बात करने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये गैर कानूनी है। व्हाट्सएप पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो भैया अगर कोई नहीं बात करना चाहता तो काहे पीछे पड़े हो भाई। अगर आपकी आदत है फेक आईडीज बनाने की, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी, तो इस आदत को चेंज कर दो। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पर आप किसी और का नाम रख के आ गए हैं, या किसी और के नंबर से आपने व्हाट्सएप बना रखा है और आप चैट कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी आपको जेल हो सकती है। इंसान को अपना नाम आगे बढ़ाना चाहिए, भैया एंजल प्रिया का जमाना चला गया, प्लीज़ ऐसे करें तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि भैया ये सब छोड़ दो। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जितने भी लड़के एंजल प्रिया हैं उन्हें एंजल प्रिया ही बना दो।
अगर आप ऐसा कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं जिसका ताल्लुक किसी धर्म से है, किसी धर्म स्थल से है, या किसी मंदिर से है, किसी भी जगह से, एक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक चीज़ है, उससे आप ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे किसी भी इंसान को या किसी भी वर्ग के लोग, जो भी लोग हैं, किसी किन्हीं भी वर्ग के लोग को अगर कोई ठेस पहुंच रही है, उनको बुरा लग रहा है, आप उनको इंसल्ट करने के लिए कोई भी धार्मिक चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करनी चाहिए, ये इलीगल है। इसके लिए तो पुलिस आपको तुरंत धर दबोचेगी, बोले भैया तेरे को बड़ी पंचायत है, इधर इधर मारेगी दो कंटप्पे और ले जाइए आपको और जेल बंद कर देगी, और बाद में जो मुकदमे चलेंगे वो अलग। तो ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। झूठी खबरें पहुंचाना, झूठी खबरें फैलाना, फेक न्यूज, सेंसिटिव टॉपिक्स पर अगर आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, आप खुद लिख के डाल रहे हैं या तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप गुनहगार हैं। अगर कोई भी झूठी न्यूज आ जाती है कि ये सेलिब्रिटी मर गया या वो हो गया या इसने ये फ्रॉड कर दिया, ये चीजें बंद हो गई, कोई भी किसी भी तरह की झूठी खबर है, यहाँ दंगे फसाद हो जाते हैं इनको लेकर, कब समझेंगे आप, ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी फेक न्यूज आपको शेयर ही नहीं करनी। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आपको न्यूज़ ऐसी शेयर करनी ही नहीं, क्यों करनी भैया, जिसको जानना वो अपने आप टीवी देख लेगा, अपने आप अखबार पढ़ लेगा, आपको क्या पंचायत है यार, हैं। तो इस तरह की चीज़ें पहले अगर आपको एनालाइज करना है कि वो फेक है कि नहीं, गूगल पर सर्च करो, न्यूज़ वेबसाइट्स पर देखो क्या बोल रही है। ऐसे ही नहीं कहीं पर भी शेयर आ गया कि ये है वो है, आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत 0.006 पैसा होती है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं और लोग बिना पढ़े उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, फेक न्यूज कभी ना फैलाएं। व्हाट्सएप पर इलीगल चीजों को बेचना, जेल हो जाएगी भैया। अगर कार्डेड प्रोडक्ट बेचते हो, आईफोन एक्स 1.5 लाख रुपए का फोन आप बेच रहे हो 25,000 में, 20,000 में, कार्डेड प्रोडक्ट, चोरी का माल, ड्रग्स, फालतू की चीजें बेच रहे हो आप, चोरी किए हुए सामान, उल्टी सीधी चीजें, जो भी बेच रहे हो आप, जो भी लोग बेचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये इलीगल है और ये आपको नहीं करना चाहिए। जो सामान बेचना है, अगर इतने ही बड़े आप व्यापारी हो तो भैया अमेजोन पे बेचो ना, व्हाट्सएप पे कौन बेचता है। और ऐसे लोगों से खरीदना भी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा फेसबुक पर कई लोग ऐसे अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं कि सस्ते में मोबाइल फ़ोन ले लो, सूट का कपड़ा ले लो, साड़ी का कपड़ा ले लो। खैर सूट साड़ी के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है सूट साड़ी ले सकते हो आप, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो चोरी के सामान होते हैं। सूट साड़ी चोरी का कौन बेचेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप फ़ोन वगैरह खरीद रहे हैं ऐसे कहीं बाहर से, व्हाट्सएप से और फेसबुक से, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सस्ते में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो चोरी का सामान है। और चोरी का सामान तो भैया ना व्हाट्सएप पे लेना ना फेसबुक पे लेना। अगर आपको आदत है जासूसी वीडियो बनाने की, आपको आदत है स्टिंग ऑपरेशन करने की, तो उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के बिना पूछे अगर आप वीडियो बनाते हैं, अगर आप उस इंसानों में से हैं कि आप चलते हुए मार्केट में लड़कियां जब घूम रही होती हैं तो आप पीछे से उनकी वीडियो क्लिप बना रहे होते हैं और उन वीडियो क्लिप को बनाकर आप शेयर कर देते हैं कहीं पर, किसी का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगर ऐसे काम कर रहे हो आप, किसी की बिना पूछे वीडियो आपने चुपके से बनाई हुई है और उसको आप व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हो, तो भैया दुनिया की कोई ताकत, जैसे मैंने आपको कहा, नहीं बचा सकती। बहुत ही बेकार हरकत है, ऐसा कर रहे हो, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हो। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, बस में घूम रहे होते हैं, कोई लड़की आती है, कहीं चुपके से वीडियो बनाते हैं, बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े लोग, 50 साल का बूढ़ा, मतलब उसको तो मैं बूढ़ा ही बोलूंगा अगर ऐसे काम कर रहा है, लड़कियां बस में हैं तो उनकी वीडियोज़ बना के शेयर कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है अपने छोटे में। जब उसका फ़ोन चेक कराया गया, आई एम श्योर आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, उसका फ़ोन देखा गया तो लड़की की फोटो पीछे से बना रहा था, मतलब वो वीडियो बना रहा था, और उसे फिर ऐसे लोग फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं सुधार जाओ भैया। पोर्नोग्राफी और ऐसी ही डिस्टर्बिंग चीज़ें, कोई किसी का, कोई मार रहा है किसी को, कुछ कर रहा है, बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है कोई किसी को, इस तरह की वीडियो, डिस्टर्बिंग वीडियोस अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, पुलिस पकड़ लेगी भैया, कोई नहीं बचा सकता, तड़ तड़ धड़ धड़ डंडे पड़ेंगे भैया, बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, यहाँ मारा वहाँ मारा कहाँ कहाँ मारा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप पर आपको क्या शेयर नहीं करना, व्हाट्सएप इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, एक जिम्मेदारी के साथ कीजिए कि इसको आपको अच्छे के लिए इस्तेमाल करना है, बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आप भी जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे आप अपने साइबर स्किल्स की मदद से लोगों को बचा सकते हैं, एक इथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहां पर एक 299 रुपीस का इथिकल हैकिंग कोर्स है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए, इथिकल हैकिंग। मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे एक घंटे का निशान होता है वो भी दबा दो आप, उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड goodbye।